भाई ने गाड़ी पूरी 5 लाख की इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई है और अब लाइट जो लगी है ऊपर छत पे और स्क्रीन देखो टेस्ला वाली। तो भाई यहाँ कम्प्लीटली लग के रेडी हो चुकी है डैम्पिंग शीट को ना। ये ब्लेंडर पता नहीं क्या था कि पेच ही नहीं था डोर पैनल में। अब वो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो ना तो यार अपने घर के आसपास अगर अच्छी दुकान मिल रही है तो वहाँ से ऐसे काम करा लो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है और उसके अलग रीजंस हैं। थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा था एक्चुअली, कॉलेज में अभी नया नया एडमिशन हुआ है तो एग्ज़ाम्स तो अभी भी हैं, एक्सटर्नल सेमेस्टर एंड के जो होते हैं वो अभी मेरे होंगे। तो उस चक्कर में ना मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा था और करीबन मैंने डेढ़ महीने बाद वीडियो डाली है। और अब मैं इसके लिए तो माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आए मेरी वीडियोस और हो सकता है मैं घर से भी थोड़ी शूट करूँ, गाड़ियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम घर पे बैठे बैठे बातें। ज़रूरी नहीं है कि हम घर से बाहर निकले तभी वीडियो बनाएं। तो भाई गाड़ी पीछे बहुत तेज़ ला रहा है अंदर। कोई नहीं भाई, तो आज ना हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये गाड़ी है इसमें मैंने काफ़ी कुछ ना मॉडिफिकेशन कराई जो कि काफ़ी डिसेंट मॉडिफिकेशन है और काफ़ी मैंने ना ऐसे नहीं कराई कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉडिफिकेशन हो कि गाड़ी को मैंने बहुत ही ज़्यादा बदल दिया हो या फिर मैंने कुछ ऐसे मतलब सब कुछ चेंज करवा दिया हो गाड़ी में। मैं बहुत एक ऐसी मॉडिफिकेशन कराई जो खुद को अच्छी लगती है, बाहर किसी को ऐसे दिख नहीं दिखी ना। मैं किसी को दिखाना चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करता हूँ अपनी गाड़ी को, मेरे को शौक़ है मॉडिफिकेशन का, लेकिन जो दूसरे को अजीब ना लगे, खुद के लिए हो, मतलब खुद को अच्छी लगनी चाहिए बस। तो सबसे पहले ना मैंने इस गाड़ी में जो कराया था वो थी आपका भाई प्रेशर हॉर्न्स पोलो। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा भाई, यहाँ पर ना डैम्पिंग कराई थी, आप आवाज़ देखो। और ये सब मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊं मैंने करोल बाग से कराई थी। अब करोल बाग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ से वर्थ है आपको मॉडिफिकेशन कराना। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके नियर बाय काफ़ी शॉप्स होंगी तो मैं आगे बताऊंगा कि करोल बाग जाने का आपको फ़ायदा है या नहीं इन मॉडिफिकेशन के लिए। मैं आपको आगे चल कर बता दूंगा, कॉस्टिंग वगैरह भी मैं एंड में बताऊंगा, तो उसके लिए जुड़े रहना। सबसे पहले तो इसकी ना मैं बूट ओपन करूंगा तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि क्या इसमें अलग है। तो ये मैं बूट ओपन कर रहा हूँ इसकी, तो बूट थोड़ी सी ना बिखरी हुई है ऐसे इधर उधर रखा सामान, तो प्लीज़ जज मत करना। तो ये आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आप समझ चुके होगे, ये एक 10 इंच की बेस ट्यूब है और ये बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लाउड हो, गाड़ी के बाहर ऐसे पूरी आवाज़ होए बम बम वो होती है ना। सो वो मेरे को पसंद भी नहीं है कि दूसरों को बेस सुनाओ, मेरे को पसंद है कि खुद बेस सुना जाए। और ये बेस ट्यूब थी 10 इंच की और इसका आउटपुट जो है वो 5400 वाट था आई थिंक। और इसकी वायरिंग मैंने अलग से कराई थी, 600 रुपये की वायरिंग इसकी हुई थी। और ये बेस ट्यूब ब्रांड मेरे को पहले नहीं पता था, ये अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर थी तो मैंने इसलिए मंगा ली, रिव्यूज़ इसके अच्छे थे। और ये वायरिंग वगैरह के साथ मेरे को 5500 की पड़ी थी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी तो मेरे को काफ़ी सही लगी है जो आपकी बेस ट्यूब थी। तो इसे मैं बंद करता हूँ। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँगा वो थी इसके सीट कवर्स। इसमें ये SX वेरिएंट है आपको जैसे पता ही है, तो इसमें सीट कवर्स नहीं आते, तो ये सीट कवर्स मैंने लगवाए थे करोल बाग से। और ये सीट कवर्स आप देखो, इसकी फिटिंग तो बहुत अच्छी है, अभी थोड़े गंदे हो रखे हैं, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। ये मैंने ना सेल्टॉस से इंस्पायर होकर लगवाए थे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, रेड स्टिचिंग में है ये और फिटिंग तो बहुत बढ़िया थी, मतलब बहुत अमेजिंग है। और कम्फर्ट जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं सीट कवर्स, इसकी जो फिट है ना बकेट फिट जो प्रॉपरली दी है तो उससे मेरे को काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है। और ये इसकी ना मैं अलग से क्लिप डाल रहा हूँ करोल बाग की, जब मैंने तब शूट करी थी जब मैं मॉडिफिकेशन करा रहा था और इस मॉडिफिकेशन को काफ़ी टाइम हो गया, तो आप वो क्लिप्स देख लीजिए भाई। यहाँ पर एक गाड़ी अपनी खुलनी स्टार्ट हो गई डैम्पिंग के लिए और अभी सीट्स भी खुलेंगी पूरी, तो यहाँ पर काम चालू हुआ है। अब भाई खोलने में लग रहे हैं और अपने निक्कू भाई का ये अड्डा देख लो। और इसमें यहाँ पर पेच ही नहीं था जिसकी वजह से बड़बड़ ज़्यादा आवाज़ आती थी, और इसमें भी पेच नहीं है, पता नहीं क्या इन्होंने करा है, चोर है यहाँ पर पेच ही नहीं दिए गाड़ी में।
ये निकल गए हैं और ये स्पीकर इसके आते में इसके भाई। यहाँ पूरी गाड़ी अपनी खुल चुकी है, देखो सीट वीट सब निकल चुकी हैं। उस साइड से जो पन्नी थी वो उतर चुकी है, अब यहाँ भी ये उतारेंगे, उसके बाद डैम्पिंग शीट लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखो क्या मज़ा बनता है गाड़ी में। बाकी यार इस मेरे को ना ये ब्लेंडर पता नहीं क्या था कि पेच ही नहीं था डोर पैनल में, अब वो पता नहीं क्या किया है ह्यूंडई वालों ने, वो पीडीआई में चेक कर लेना ये सब चीज़ें भी कि पेच वगैरह सब प्रॉपर हो आपकी गाड़ी में। ये तो जल्दबाजी में हमने थोड़ा कर दिया, तो पीडीआई में ज़रूर ये चेक करना। दरवाजा चारों दरवाज़ों के साथ साथ ना ये भी अभी खुलेगा, और यहाँ पर भी जो है अपना वो लगाएंगे डैम्पिंग की शीट, यहाँ पर प्रॉपर लग जाएगी चारों तरफ से गाड़ी ना। इसके म्यूज़िक सिस्टम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और काफ़ी बाहर से आवाज़ ही नहीं आएगी बिल्कुल। ये अपना लेह लद्दाख का फ्लैग भाई आ गई है अपनी डैम्पिंग की शीट। हाइड्रोसोनिक है ना भैया? जी। और कॉस्ट क्या बताई थी आपने इसकी? 8,000। 8,000 में पूरी डिक्की और दोनों चारों दरवाजे ये सारे कवर हैं इसमें। तो भाई यहाँ कम्प्लीटली लग के रेडी हो चुकी है डैम्पिंग शीट पूरी, और यहाँ देख ही सकते पूरा डोर जो है कवर हो गया, उस साइड भी लगनी स्टार्ट हो गई है। सीट निकल के गई है अभी प्रॉपर स्टिचिंग के साथ, वहाँ लगेंगी, वहाँ पर रखी हुई है सीट जी तो, और यहाँ पर प्रॉपरली काम चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपका चालू करूँ? नहीं नहीं नहीं, कर दो बढ़िया से। ये भैया ने इनोवा की बनाई है देखो सीट, ये फैब्रिक के ऊपर ही चढ़ाई है, फैब्रिक उतरवाने की जरूरत नहीं है, तो कंफर्ट ज़्यादा उससे इंक्रीज हो जाएगा भैया कह रहे हैं। हाँ तो अब ये देखो इनोवा में भैया ने क्या बढ़िया फिटिंग एकदम दी है, तो स्वाद आ रहा है इसमें। अब भैया इसमें अपनी वेन्यू की में भी कर देंगे, यहाँ पर ही खुलनी अभी स्टार्ट होगी थोड़ी देर में, अभी इनोवा का पैक कर दें। इन्हें डिग्गी का भी पैनल खोल दिया है, अब यहाँ पर भी स्टार्ट होगी, और बस ये दो पैनल ही बच रहे हैं, एक ये वाला दरवाज़ा और अपना ये डिग्गी, तो बाकी तीन दरवाज़ों में तो कंप्लीट हो गई है डैम्पिंग। भाई एक फॉर्च्यूनर खड़ी है 2018 मॉडल, और ये इन भाई ने पूरा जीबीएल का एम्प वगैरह स्पीकर सिस्टम पूरा अपग्रेड कराया। इसका इंटीरियर बड़ा अच्छा लग रहा है रेड और ब्लैक में। ये स्क्रीन देखो ये टेस्ला वाली और पूरी खुली बढ़िया आगे, और ये 2018 मॉडल है। और अभी आपको एक दिखाता हूँ चीज़ जो कि बहुत ख़ास है इसमें, ये देखो लेजेंडर लेजेंडर में बनवाई है भाई ने गाड़ी, पूरी 5,00,000 की इन्होंने मॉडिफिकेशन कराई है। और अब इसकी छत में ना अभी जल नहीं रही वो, यहाँ पर स्टार लाइट है, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, यहाँ पर लाइट जलाता हूँ, रुको इससे भी नहीं दिखेगी यार, यहाँ पर ना छोटे छोटे वो हैं जिसमें रेड वो जलती है, बंद कर देता हूँ। और पीछे से भी दिखाऊं, जैसे ज़्यादातर लोग आगे से ही बनवा लेते हैं ना लेजेंडर, इन भाई ने पीछे से भी पूरी चेंज करा दी है। और बम्पर देखो इसका बम्पर पूरा, और ये ओरिजिनली ना वाइट गाड़ी है, वाइट को इन्होंने ब्लैक करा दिया है। अभी इसकी भी फिनिशिंग होनी है और पूरी गाड़ी की, पूरी रीपेंट हुई है यहीं पर गाड़ी है। और ये लाइट देखो लेजेंडर वाली पूरी, लेजेंडर क्या मतलब, ये जो नई फॉर्च्यूनर में आ रही है लेजेंडर वाला बम्पर भाई ने लगवा लिया है पूरी। इन्होंने 5,00,000 की मॉडिफिकेशन गाड़ी भी करी है, कितनी सही लग रही है, मतलब मज़ा दे दिया गाड़ी में। 2018 चार साल हो गए गाड़ी को, इसको 5वां साल लग गया है अब तो, अब बढ़िया बनवाई है भाई ने गाड़ी। भाई ये फॉर्च्यूनर में स्टार लाइट जो लगी है ऊपर छत पे, और स्क्रीन देखो टेस्ला वाली ये देखो, अरे भाई छत बहुत अमेजिंग लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है छत। 5,00,000 लगाएं तो कुछ तो मिलेगा यार, ये एम्बिएंट लाइटिंग देखो, एम्बिएंस बोलते हैं वैसे इसको, तो काफ़ी काम कुछ बहुत कुछ कराया हुआ है बंदे ने इसने। भाई अपनी सीट का काम चालू हो चुका है, यहाँ स्टिचिंग निकल रही है, कपड़ा अंदर ही रहेगा, ये कपड़ा निकाल नहीं रहे जो फैब्रिक है ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही प्रॉपर बकेट फिटिंग के लिए इसकी सिलाई जो है निकालनी पड़ती है। तो अभी सारी ये खुलनी चालू होगी, वो वहाँ पर सीट रखी है, और ये अपनी दोनों पेयर जो सीट के हैं वो रखे हैं। हाँ मैं एक चीज़ कवर करना भूल गया, मैंने इसका हॉर्न चेंज कराया था, आप देखो बस बस ये हॉर्न मैंने लगवाया था, थोड़ा सा क्रेटा जैसा साउंड है इसका, और यहाँ से आपको दिख भी जाएगा ये बस ये
दो हॉर्न लगे हैं, पहले इसमें सिंगल हॉर्न आता था, वो ट्रम्पेट हॉर्न जो होता है वो, उस हॉर्न की भी क्वालिटी अच्छी थी। ल्यूमैक्स कह रहा हूँ, सोनीलैक्स कोई कंपनी है, इसकी एक साल की वारंटी दी है उन्होंने हॉर्न्स की, और 1000 रुपये की कॉस्टिंग थी, ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़े। तो ये हॉर्न्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, पहले वाला हॉर्न अच्छा था लेकिन वो ना थोड़ा फटने लग गया था, तो ये मैंने चेंज करा दिया, अब ये लगवा दिया। तो ये था हॉर्न, और ये साइड मिरर्स थे, और यहाँ पर मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो ये इसका जो स्पॉइलर तो नहीं, इसकी जो छत थी मैंने यहाँ इतनी इतनी रैप कराई थी, और आप फिनिश देख सकते हो, बहुत ही बेकार फिनिश दी थी उस बंदे ने। ये जगह जगह से पील ऑफ होने लग गया, और यहाँ से ना उसने शायद कुछ गलत कर दिया, तो अलग से देखो ये लगाया उसने, तो ये भी पूरा जो है पील ऑफ हो रहा है। साइड मिरर्स की फिनिशिंग तो ठीक ही है, मतलब बहुत खास नहीं लगी मेरे को, मैंने इससे पहले भी ना रैप कराए थे तो वो गाड़ी ना रीपेंट हुई थी, एक्चुअली डेंट आ गया था, तो साइड मिरर पे भी डेंट था, तो वो दोनों तरफ से ना ये फिल्म जो थी वो हटवा दी थी, और फिर रीपेंट हुए थे तो ये हटानी पड़ी थी, मैंने फिर कराई लेकिन दूसरी जगह से। इससे पहले मैंने जिस जगह से कराए थे वो काफ़ी उसने अच्छी करी थी, वो उसमें फिनिशिंग में कोई वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये नहीं कराया था मैंने रैप, ये इस बार ही रैप कराया था। और ये रैप कराने में उसने बोले थे 800 रुपये, तो मैंने कहा 800 रुपये तो नहीं बनते यार, तो इसके 600 रुपये मैंने दिए थे। और यहाँ से भी देखो ये पूरा उठ रहा है, ये इसको यहाँ से दबा देता हूँ। तो ऐसा कुछ ये था, और आपने करोल बाग की तो क्लिप्स देख ही ली होंगी, अब बात करते हैं कि करोल बाग से आपको मॉडिफिकेशन करानी चाहिए या नहीं। देखो मैंने सीट कवर्स जो लगवाए, अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो दिल्ली में जहाँ पर कार मार्केट है, और मतलब वहाँ पर अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं मयूरविहार फेस वन में रहता हूँ, तो यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, मैंने वो एक्सप्लोर नहीं करे, तो मैं करोल बाग चले गया यूट्यूब देख देख के। सबसे ज़्यादा लोग तो लोग यूट्यूब की वजह से जाते हैं करोल बाग। तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो ना, तो यार अपने घर के आसपास अगर अच्छी दुकान मिल रही है तो वहाँ से ऐसे काम करा लो। ये सेम सीट कवर ना मयूरविहार में 4,500-5,000 के लगते, और करोल बाग में इनकी कॉस्टिंग 8,000 रुपये। वो बात अलग है, मैंने वो उनसे लेस करा के 5,500 करा लिया था इसका, लेकिन वहाँ पर तो लेस कराए बिना ही 4,500-5,000 में ये वाले सीट कवर लगते। और डैम्पिंग मैं बताता हूँ, डैम्पिंग वो बोलते हैं कि रशियन शीट है, और पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं, हाइपर साउंड कुछ करके कोई ब्रांड था जिसकी शीट थी, तो मैंने हैवी वाली शीट लगवाई थी, 6,000, 8,000, 10,000 ऐसे की हो रही थी, इसमें टोटल 10 शीट लगी थी, तो वो वाली मैंने लगवाई थी इसमें। तो डैम्पिंग में कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मयूरविहार में जब मैंने अभी प्राइसेस पता करे, तो ये वाली शीट जो उस बंदे ने मेरे को अराउंड 800-900 रुपये की दी थी ना, ये वाली शीट मयूरविहार में 450-500 की मिल रही है, ये वाली सेम शीट एक। तो उसने बोला कि 2 शीटें लगेंगी, और 2 शीटें करोल बाग में लगाई थी, तो कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क था। वो करोल बाग में ये सीन होता है कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो लोग करा लेते हैं और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन डैम्पिंग का फ़ायदा है मेरे को कहीं ना कहीं लगता है। डोर्स काफ़ी हैवी हो गए हैं इसके, डोर्स में वेट का फ़र्क ना बहुत आ गया है, और आवाज़ तो आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा हो गई। ये डैम्पिंग ना आपको समझाता हूँ मैं कैसे काम करती है। डैम्पिंग एक तरीके से नॉइस कैंसिलेशन वाला होता है ना आपका फीचर ईयरफोन्स में, ये वैसा काम करती है, पैनल्स को थोड़ा हैवी कर देती है डोर्स के, और स्पीकर्स का आउटपुट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है डैम्पिंग कराने के बाद, तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराई गाड़ी में, मैंने बहुत डिसेंट मॉडिफिकेशन कराई हैं, जिसमें कि वायरिंग वगैरह की भी कोई मेरे को लगता नहीं है इसमें कुछ वो होती है। और बेस ट्यूब की वायरिंग ना मैं आपको बताऊं तो कहाँ से आई है, यहाँ से पूरा अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग गई पीछे बूट तक, और यहाँ से पूरा पैनल के नीचे से नीचे जहाँ पर इसे पूरा खोला था, यहाँ से पूरी वायरिंग गई है। यहाँ पर कुछ ना इस ये जो स्क्रीन आती है कंपनी वाली, इसका कोई कपलर होता है उसमें कनेक्ट होता है, तो उसके लिए अलग से कनेक्टर खरीदना पड़ता है आपको। कनेक्टर मेरे ख्याल से 350-400 रुपये कुछ का आता है, तो वो कनेक्टर जो है वो कनेक्ट होता है स्क्रीन से। और इस बेस ट्यूब को लगवाने के बाद ना आउटपुट मैं बताऊँ आपको तो इंक्रीज़ हो गया है, और लाउडनेस काफ़ी बढ़ गई है। इसके स्पीकर ज़्यादा लाउड नहीं थे पहले, लेकिन बेस ट्यूब के बाद ये स्पीकर काफ़ी लाउड हो गए हैं, और मतलब पहले ना फुल वॉल्यूम पे भी बात कर पाते थे आपस में, लेकिन बेस ट्यूब लगने के बाद बिल्कुल आवाज़ नहीं आती एक दूसरे की, हम क्या बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये मेरे को काफ़ी मतलब लगी कि काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन है। मेरे को सबसे ज़्यादा जो पसंद आई मॉडिफिकेशन वो बेस ट्यूब वाली थी, और डैम्पिंग तो है ही अच्छी।
तो यही सब कुछ था। अभी ना एक रिसेंट टाइम में मेरे साथ कुछ मतलब मेरी गाड़ी में ना कुछ दिक्कत आई थी, तो वो मैं ना आपको एक वीडियो में बताऊंगा। अभी एक पार्ट इस गाड़ी का चेंज होना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। उसके लिए कनेक्टेड रहना आप, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो यही थी कुछ वीडियो, और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगा, तो जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कुछ कमी लगी हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।